दोस्तों, जब भी हम पानी के अंदर की जिंदगी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है वह है फिश। जी हाँ, मछली जल की रानी है। मछलियों में भी ऐसी कई सारी फिशेस है जो बेहद खूंखार और खतरनाक है, और इनसे उलझने की भूल करने का मतलब सीधे मौत को दावत देने जैसा होता है। कुछ बेहद जहरीले है तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करती है, कुछ की शारीरिक बनावट बड़ी डरावनी है तो कुछ बेहद खून की प्यासी है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही महाभयंकर मछलियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 13, पफर फिश। ये मछली छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, देखने में जरा सी है मगर जब ये खतरा महसूस करती है तो एक खतरनाक हथियार में बदल जाती है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये अपने आप को किसी गुब्बारे की तरह फूला लेती है। यूजुअली ये समंदर की ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है जहाँ मौसम थोड़ा गर्म रहता है। ये खारे पानी के साथ साथ फ्रेश वाटर यानी नदी वगैरह में भी आसानी से मिल जाती है। अगर इनके साइज की बात करें तो ये नॉर्मली छोटी ही होती है, यानी 1 या 2 इंच, मगर कुछ पफर फिश 3 से 4 फीट तक बड़ी भी हो जाती है। इस मछली की कुछ प्रजातियों की ऊपरी सतह कांटेदार होती है और इसलिए ये देखने में बड़ी भयानक लगती है। जो चीज इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वह है इनका जहर। इनके इंटरनल ऑर्गन्स में टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का एक खतरनाक जहर होता है जो साइनाइड से भी 25 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये सीधे दिमाग पर असर करता है और इंसान को पैरालाइज कर देता है और फिर मौत हो जाती है। एक मछली के अंदर इतना जहर होता है कि 30 लोगों को आराम से मार सकती है, मगर इंसान तो फिर इंसान है, खतरों से खेलने की इसकी आदत है। हैरानी की बात है कि जापान और कुछ अन्य देशों में इस मछली को बड़े शौक से खाया जाता है। नंबर 12, रेड लाइन फिश। ये खतरनाक और जहरीले फिन स्पाइन जिनके शरीर पर लगने से आदमी मरता तो नहीं मगर ऐसे भयानक घाव हो जाते हैं कि दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता। ये देखिए, इनके फिन स्पाइन पर जिब्रा जैसे ट्राइप्स होती है जो अलग अलग प्रजाति की रेड लाइन फिश में अलग अलग डिजाइन की होती है। अगर इनको आपने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर आपकी खैर नहीं, या आपने फिन्स फैलाकर उनसे आप पर सीधा हमला कर सकती है। नॉर्मली ये साउथ पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। शिकारी मछलियां इनका शिकार करती नहीं है इसलिए इन्हें किसी से खतरा नहीं होता और इसीलिए इनकी पॉपुलेशन समंदर में लगातार बढ़ रही है। आपसे बस इतना ही कहूंगा कि इन्हें जब भी देखे इन्हें छेड़ने की भूल ना करे, वरना फिर भयानक दर्द के लिए तैयार रहे। नंबर 11, वेल्स कैटफिश। ये नॉर्मली सेंट्रल सदर्न और ईस्टर्न यूरोप के एरिया में पाई जाती है। इस मछली की सबसे बड़ी ताकत इसकी साइज और नुकीले दांत है। अगर इसे बराबर खाना पानी मिलता रहे तो ये 3 मीटर तक लंबी हो सकती है। वजन करीब 200 किलो तक हो सकता है और अपने दांतों से किसी को भी चीर फाड़ सकती है। अब इतना बड़ा शरीर और ऐसे दांत होंगे तो इसका इंसानों से डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसानों के लिए ये और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहने वाली मछली है, यानी इंसानों से इसका आमना सामना अक्सर होता रहता है। ये मछलियाँ बहुत ही अग्रेसिव शिकारी होती है और यूजुअली छोटी मछलियों और मेंढकों को अपना शिकार बनाती है, मगर कभी कभी कुछ इंसान भी इसकी चपेट में आ ही जाते हैं। नंबर 10, लॉन्ग नॉस गार। ये मछली यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर्न हाफ की एरियाज में फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये मछली इतनी पुरानी है कि माना जाता है कि डायनासोर के साथ पानी में कबड्डी खेला करती थी। अब इतनी बुजुर्ग है तो तजुर्बेकार तो होगी, इसलिए शिकार के मामले में इसके अग्रेशन के आगे कोई नहीं टिकता। ये अपने मजबूत और लंबे चौड़े जबड़े के अंदर मौजूद रेजर शरीर के शार्प दांतों से अपने शिकार को चबा डालती है। नॉर्मली ये पानी में रहने वाले छोटे जीवों को भी अपना शिकार बनाती है। अगर इनके साइज की बात करें तो इनकी लेंथ करीब 3 मीटर तक हो सकती है और इनका वजन होता है करीब 150 किलो के आसपास, यानी साइज के मामले में भी ये मछली सबकी बाप है। नंबर 9, बाराकूडा। मेडिटेरियन सी और इसके खारे पानी में पाई जाने वाली ये मछली कुछ कुछ सांप की तरह तैरती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड और इसका अग्रेशन। बाराकूडा इतनी फुर्तीली और इतनी तेज तैरती है कि इसे समंदर का टाइगर भी कहा जाता है। पानी में इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर है। ये काबिलियत इसे शिकार करने में बड़ी मदद करती है। इसे पहले के शिकार को कुछ भनक भी लगे वह बाराकूडा के पेट में होता है। इंसानों को भी इस मछली से बड़ा खतरा रहता है और ऐसे कई केसेस हो चुके हैं जब बाराकूडा ने इंसानों पर हमला किया। नंबर 8, स्टार गेजर। ये गहरे पानी में पाई जाने वाली मछली है। इसे एक बार देखिए तो जरा, ये इतनी बदसूरत है कि इसे एक बार ठीक से देख लो तो 4 दिन तक खाना खाने का भी मन नहीं करेगा, मगर इसकी बदफुर्ती ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये अपने आप को पानी में रेत के अंदर पूरी तरह से उतार लेती है, बस केवल इनका मुंह बाहर की तरफ होता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इनकी आंखें इनके सिर के ऊपर होती है जो इन्हें रेत में चिपने और अपने शिकार पर वार करने में बड़ी मदद करती है। इनकी साइज 18 से 90 सेंटीमीटर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्टार गेजर भी होती है जिनकी पिछली पूंछ पर इलेक्ट्रिक पाइन होती है।
जिसकी मदद से ये अपने शिकार को बिजली का झटका देकर अपने जाल में फंसा लेती है। ये गहरे समंदर में पाई जाती है, इसलिए इंसानों के लिए ये ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। नंबर 7, कैंडिरू। ये मछली बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया और पेरू देशों की नदियों में पाई जाती है। इसके करतूतों के बारे में सुनेंगे तो रातों की नींद उड़ जाएगी। इस मछली से खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मछली आपके शरीर के अंदर के भागों को खाने का शौक रखती है। जी हाँ, केवल 40 सेंटीमीटर साइज की मछली शरीर में यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग से घुसती है और शरीर के अंदर के हिस्सों को खाने लगती है और इस वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए इन देशों में लोगों को नदी या समुद्र के कपड़े पहनकर जाने की और पानी में पेशाब नहीं करने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, अटलांटिक मानता रे। चलिए अब आपको एक शैतानी मछली से मिलवाता हूँ। ये देखिए, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि दो शिंगों वाले किसी शैतान ने पीछे काला लबादा बांध रखा है। इस फिश की डिजाइन ही कुछ इस तरह की होती है, जो इसे ऐसा भयानक लुक देती है। ये मछली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती है और ज्यादातर गहरे पानी में ही रहती है, इसलिए माना जा सकता है कि इंसानों के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। मगर इसकी साइज बहुत डरावनी है। ये करीब 7 मीटर तक लंबी हो सकती है और वजन करीब 3000 किलो तक भी जा सकता है। नंबर 5, टाइगर फिश। इस मछली के दांत तो देखिए जरा, जिसने एक बार इस मछली को देख लिया पूरी जिंदगी इसका चेहरा नहीं भूलेगा। यह मछली अफ्रीका में पाई जाती है और अफ्रीका की सबसे खतरनाक मछली मानी जाती है। इसके चाकू की तरह तेज दांत अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े करने के लिए जाने जाते हैं। वह तो देख कर ही समझ आ रहा है अपने दांतों से अपने शिकार का क्या हश्न करती होगी। ये साइज में भी बड़ी विशालकाय है। इसकी लेंथ करीब 1.8 मीटर के आसपास होती है तो वही वजन करीब 70 किलो तक भी पहुंच जाता है। ये मछली फ्रेश वाटर में पाई जाती है और इसलिए इंसानों से भी इसका सामना होता रहता है। ऐसे ही कई केसेस दर्ज किए जा चुके हैं जब कोई इंसान टाइगर फिश के हमले से घायल हुआ है। नंबर 4, स्टोन फिश। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बदसूरत मछली की। हाँ बिल्कुल, स्टार गेजर से भी ज्यादा बदसूरत। जरा देखिए तो इसे, इसके सामने आपको दुनिया की हर चीज सुंदर नजर आने लगेगी। जितनी ये बदसूरत है उससे कहीं ज्यादा ये खतरनाक है। इसके पास करीब 13 स्पाइन होते हैं जो जहर से लबालब भरे होते हैं। इसका जहर किसी कोबरा के जहर से भी खतरनाक होता है और सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। नंबर 3, द ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क को अगर जल की असली रानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये सही मायनों में सबसे विशालकाय, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे खूंखार शिकारी है। इसका मेन हथियार इसके नुकीले दांत है। अपनी एक बाइट से किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि 100 लीटर पानी में एक बूंद खून भी पहचान लेती है और उसे सुनकर शिकार तक पहुंच जाती है। ये भी एक वजह है कि इंसानों को पानी में सबसे बड़ा खतरा शार्क से ही होता है। व्हाइट शार्क की ही तरह इंसानों के लिए ये बुल शार्क भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आज तक इंसानों की हत्या जितनी व्हाइट शार्क ने नहीं की उससे ज्यादा तो बुल शार्क कर चुकी है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक एल। ये मछली बिजली के झटके देकर अपने शिकार को मारती है, यानी बिल्कुल अलग ही स्वैग है। इलेक्ट्रिक एल का साउथ अमेरिका के फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली ये मछली बिजली के झटके मारती है और वह भी 600 वोल्ट के। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक मछली है और इसलिए इसका शिकार करना भी बिल्कुल आसान नहीं है। एक बार किसी ने इसको मुंह में दबाया तो झटका खाकर खुद ही निगल लेगा। इंसान भी इसके शिकार से अछूते नहीं है। इसके एक झटके से इंसान का हार्ट फेल हो जाता है, यानी सीधी मौत, बचने का कोई चांस नहीं। नंबर 1, बॉक्स जेलीफिश। इंसान के लिए आज तक सबसे खतरनाक कोई मछली रही है तो वह बॉक्स जेलीफिश है। ये पूरे इंडो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है और सबसे जहरीली मछली होने का खिताब अपने साथ रखती है। आप यूं समझिए कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 1000 लोग बॉक्स जेलीफिश की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। इसका जहर सीधा इंसान के नर्व सिस्टम और हार्ट पर अटैक करता है और उसके बाद बचने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। इसके शरीर में टोटल 15 टेंटिकल होते हैं जिनकी साइज करीब 10 फीट तक भी जा सकती है और इन टेंटिकल में 5000 स्टिंगिंग सेल्स होती है जिनमें जहर भरा होता है। यानी एक बार जो आप इसकी चपेट में आ गए तो जहर से लथपथ कर देगी आपको। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसके चारों तरफ ये जो क्लस्टर है इन सब के ऊपर एक एक जोड़ी आंखें होती है। कुल मिलाकर 24 आंखें, यानी ये एक साथ सारी दिशाओं में देख सकती है। भगवान बचाए इस बला से। तो कैसा लगा आपको समुद्री रानियों के बारे में और इन सारी मछलियों में सबसे भयानक और जानलेवा मछली कौन सी लगी आपको, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले।